पूरे वाला जिंदाबाद। बूरे वाला वालों, आप जानते हो आज आपकी बहन और बेटी पहली बार बूरे वाला आई है, लेकिन जिस मोहब्बत से, जिस शफकत से, जिस जज्बे से आपने मेरा इस्तकबाल किया, नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज पीछे हट जाएं ताकि मैं लोगों को देख सकूं, बहुत मेहरबानी। मेरी बहुत सारी बहनें, माएं, बेटियां मुझे नजर आ रही हैं, और ये मसीही भाई मुझे नजर आ रहे हैं, इनके झंडे मुझे नजर आ रहे हैं, और जब मियां साहब ने कहा कि नौजवान हाथ उठाएं, तो तकरीबन पूरे जलसे ने हाथ उठा दिए, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये सब नौजवान खड़े हैं माशाल्लाह। और जितनी खुशी मुझे नौजवानों की तादाद देखकर हुई, जब नवाज शरीफ साहब ने सवाल पूछा कि हाथ उठाकर बताओ कि कितने नौजवान इस तरह के हैं जलसे में जिनके पास रोजगार नहीं है, तो तकरीबन सबका हाथ खड़ा था। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मेरा दिल बैठ गया आपको देखकर। और आज भी खुदा गवाह है बूरे वाला वालों, आज भी अगर हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को वोट दो, तो नवाज शरीफ को वोट दो, तो इसलिए कह रहे हैं ताकि कल हम मुंतखब होकर आपकी खिदमत कर सकें। ये बूरे वाला से जितने भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के हों या वो सूबाई असेंबली के हों, विहाड़ी से जितने उम्मीदवार हैं, ये सब मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट रखने वाले लोग हैं, खड़े होने वाले लोग हैं। इन सब को इतने वोट देना कि मुस्लिम लीग नून कामयाब हो, और कामयाब होकर दिन रात बूरे वाला के अवाम की खिदमत कर सके। बूरे वाला वालों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, दाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, बाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, और बूरे वाला वालों ऊपर से भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे गुजर रहे होते हैं। कल मैं लाहौर में अपने हल्के NA 119 में गई, मैंने बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं की वहां पर, लेकिन मेरी तकरीर के दौरान 4 मरतबा हमारे सर के ऊपर से ऑरेंज ट्रेन गुजरी माशाल्लाह। तो मैंने जब वो ट्रेन देखी तो मैंने लोगों को कहा कि वो देखो नवाज शरीफ का मंशूर जा रहा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो। आज बूरे वाला के सामने नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को, मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी पेश करने की जरूरत नहीं। बूरे वाला पूरे का पूरा जानता है कि नवाज शरीफ ने कौम की कितनी खिदमत की है, क्योंकि जो मंसूबा उठा के लिख लो, चाहे वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलोचिस्तान में हो, सिंध में हो, आजाद जम्मू कश्मीर में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, कोई भी काबिले जिक्र मंसूबा अगर है तो उसके ऊपर किसका नाम लिखा है? अल्लाह ताला के फजल से उस पे सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का नाम लिखा है। सब सिर्फ मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में गई है, बाकी सब जमातें नवाज शरीफ पर तनकीद कर रही हैं।
तो जब काम किया होता है तो तनकीद करने की जरूरत होती है बुरे वाला वालों? मुझे कहो अभी, मुझे तो किसी पर तनकीद याद ही नहीं आएगी। मुझे तो अगर मैं सिर्फ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मंसूबे और खिदमत गिनवाना शुरू करूं तो अगले दिन शाम के 4 बज जाएंगे अल्लाह के फजल से। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं, और जहां से आए वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। क्या आप लोगों को ये वाली तनकीद, ये तरक्की चाहिए आपको? और कल बड़े मजे का वाकया हुआ, गुजरांवाला से हमारे एक उम्मीदवार है तौफीक भट्ट साहब, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। उन्होंने कहा बाजी जरा ये वीडियो देखें। मैंने देखी, वो गाड़ी में गुजर रहे थे गुजरांवाला के किसी बाजार से, तो दुकानदार थे, लोग उनको हाथ हिला हिला के उनको वेलकम कह रहे थे। तो एक दुकानदार ने दूर से आवाज लगाई, बुरे वाला वालों, उसने आवाज लगाई, मैं वो जुमले दोहरा देती हूँ। उन्हें कहा शेर यार हुण की कर रहा, हुण आ जा, बहुत तबाही हो गई साड़ी। पूछना चाहती हूं कि अगर कौम जो है महंगाई की मारी, अवाम जो है तकलीफों में घिरी, अवाम आज नवाज शरीफ को क्यों आवाजें दे रही है? मैं पूछना चाहती हूं आपसे, वो नवाज शरीफ को इसलिए आवाजें दे रहे हैं कि कोई आया इंतकाम लेकर चलता बना, कोई आया गाली गलौज करके चलता बना, जेलों में फेंक के चलता बना, कोई आया तनकीद करके चलता बना, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून वो लोग हैं जिन्होंने आपकी हकीकी खिदमत की है अल्लाह के फजल से। पूरे पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा लीडर है जिसको दिन रात आपकी फिक्र है, जिसको आपकी महंगाई कम करने की फिक्र है, जिसको आपके बिजली के बिल कम करने की फिक्र है, जिसको आपके गैस की फिक्र है, जिसको आपकी रोटी की फिक्र है, आपके आटे की फिक्र है, आपकी चीनी की फिक्र है, आपकी सड़कों की फिक्र है, आपके अस्पतालों की फिक्र है, आपके स्कूलों की फिक्र है, आपके कॉलेजों की फिक्र है, तो वो ये बैठे हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और जिसके पास अल्लाह के फजल से मसाइल का हल है, अगर वो 22-22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके जीरो लोड शेडिंग में 3 साल में पाकिस्तान को ला सकता है, तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे अल्लाह का फजल है और नवाज शरीफ के दिल में आपकी मोहब्बत और आपके लिए जज्बा है। और अब क्योंकि हम साउथ पंजाब में आए हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि बाकी जमातों ने साउथ पंजाब को सिर्फ अपनी सियासत के लिए रखा हुआ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक वाहिद जमात है जिसने हकीकी मायनों में साउथ पंजाब की, जनूबी पंजाब की दिल से खिदमत की है। ये जो मुल्तान यहां से ज्यादा दूर नहीं है, मुल्तान मेट्रो देखी है ना माशाल्लाह, किसने बनाई? तो उसने तो नहीं देखा कि पंजाब का ये कौन सा हिस्सा है। खिदमत की तो बराबर की और हर हिस्से की माशाल्लाह। बड़े लोग आए जनूबी पंजाब के नाम पे आकर बेवकूफ बनाकर चले गए, लेकिन मैं आज जनूबी पंजाब को और बुरे वाला को कहना चाहती हूं कि नजर दौड़ाकर देखो, 2013 से कंपेयर करो, मुआवजना करो 2013 के जनूबी पंजाब का और उसके बाद 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाला गया हो, 2017 के जनूबी पंजाब का मुआवजना करो, आपको नजर आएगा कि अगर जनूबी पंजाब की हकीकी मायनों में किसी ने खिदमत की है तो वह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और ये देखें, मुल्तान में मेट्रो बनी, निश्तर हॉस्पिटल 2 बना, अगर लाहौर में पाकिस्तान वो पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट जिसको PKLI कहते हैं, अगर वो लाहौर में बना तो फिर किडनी हॉस्पिटल मुल्तान में भी बना, अगर लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना तो मुल्तान में भी स्टेट ऑफ द आर्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना। इसके अलावा
निश्तर मेडिकल कॉलेज भी बना, मुल्तान जरे यूनिवर्सिटी भी मिली, और आज नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिए कि आप मुस्लिम लीग नून को मुंतखब करो, इंशाअल्लाह ताला विहाड़ी में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर अगर मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई वजीर आला आया, उस्मान बुज़दार साहब याद है ना आपको, उनसे किसी ने पूछा अब वो वजीर आला पंजाब तो बन गए लेकिन उनको अपना तारुफ कराने के लिए ये जब वो किसी को कोई कहता था आप कौन है तो वो मैं वजीर आला पंजाब हूं, उनको कोई पहचानता नहीं था तो उनको जाकर ये कहना पड़ा कि मैं यहां पर पंजाब का शहबाज शरीफ लगा हुआ हूं। तो बुरे वाला वालों हमारा मंशूर कल लॉन्च हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हमारा मंशूर बिल्कुल वाजे है, हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की। आप में से बेशतर जो लोग हैं वो किसान हैं, किसान की तरक्की, आपके जो ज़रई फार्म है उनसे आपकी जो मार्केट तक की सड़कें उनको बना के देना ताकि आपको अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में आसानी हो। उसके बाद आपके अस्पताल उनको ठीक करना, मुफ्त दवाई की, मुफ्त इलाज की, मुफ्त एक्सरे की, मुफ्त सर्जरी की सहूलत आपको पहुंचाना, आपकी दवाइयों को आपके घर के दरवाजे तक पहुंचाना, तालीम को आम करना, तालीम की सहूलियात हर घर में देना, मुफ्त तालीम देना, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शानदार दानिश स्कूल बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। मोटरवेज का जाल बिछाना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। बिजली के बिलों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। आपके घरों में गैस पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। रोटी की कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। चीनी, आटा, सब्जी, गोश्त, दालें, इनकी कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा मंशूर है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुन लेना, इलेक्शन किस दिन है जरा मैं सुनूं, पता है 8 फरवरी को इलेक्शन है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून का कोई वोटर 8 फरवरी को घर ना बैठे, मुकाबले में कोई नजर आता हो नहीं आता हो सुबह सुबह उठकर अपने आप को भी लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने मोहल्लेदारों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर पोलिंग स्टेशन पर जाना है और किस पे मोहर लगानी है। लो जी बूरे वाला ने अपना फैसला सुना दिया माशाल्लाह। आप जितने मोरे शेर पर लगाओगे उतनी जल्दी बूरे वाला और पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये मरियम नवाज आपसे वादा करके जा रही है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का बूरे वाला। ये जो खवातीन खड़ी है, मैं मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार, और आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आपको हंसता रखे, बसता रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।